क्रिकेट की दुनिया यानी कि माई स्पोर्ट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है, जहां पाकिस्तानी टीम ट्रायंगुलर सीरीज खेलने वाली है। पाकिस्तान के साथ साथ न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीम भी ट्रायंगुलर सीरीज में भाग लेगी। पहला ही मुकाबला पाकिस्तानी टीम 7 अक्टूबर को बांग्लादेश के साथ खेलने वाली है, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी स्क्वाड में कोई भी तब्दीलियां नहीं हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तानी स्क्वाड में कौन सी तब्दीलियां होगी। लेकिन फैंस तो यही मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तानी स्क्वाड में शोएब मलिक और शर्जील खान की एंट्री होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी इम्कान पाकिस्तानी पीसीबी के अध्यक्ष रमीज राजा ने नहीं किया है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम उसी स्क्वाड के साथ टी20 विश्व कप में भी जाने वाली है। 15 अक्टूबर तक तो पाकिस्तानी टीम को टाइमिंग दी गई है, 15 अक्टूबर तक तो पाकिस्तानी टीम स्क्वाड में चेंजिंग कर सकती है। उसके बाद पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाएगी, उसके बाद पाकिस्तानी टीम कोई भी तब्दीलियां नहीं कर सकेगी। अब देखना दिलचस्प होगा, फैंस तो यही मांग कर रहे हैं कि शर्जील खान और शोएब मलिक की वापसी टी20 वर्ल्ड कप में होनी चाहिए, लेकिन अभी तक पीसीबी के अध्यक्ष रमीज राजा ने इस पर कोई भी बात नहीं की है। पीसीबी अध्यक्ष रमीज राजा ने कहा कि पाकिस्तानी मिडल ऑर्डर तो कमजोर है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक भारत के साथ कभी भी नहीं जीत सका था, लेकिन यही टीम पाकिस्तानी टीम ने अभी तक भारत को 1-1 से एशिया कप में बराबरी कर ली थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि रमीज राजा क्या शर्जील खान और शोएब मलिक की वापसी कर सकते हैं कि नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए।